राम राम तो जी, जय माता कॉन्सर्ट दी। से आने कैसे के हैं आप सभी? बाद बस मैंने खाना बनाया, खाना बना दिया है। मेरा जो जो रोटी उठा के ले जा रहे हैं, रोज जो रोटी दी है, जो जो खा लो खा लो मेरा बच्चा। तो अभी मैं देखो, मैंने मास्क लगा लिया है और मुझे जाना है राशन लेने, तो मैं जा रही हूँ। सामान कुछ भी नहीं रहा हुआ है घर में, तो चलिए चलते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपको सड़क में। मास्क आज मेरे घर से ही लगा लिया, वैसे कभी मार्केट में भी नहीं लगाती, आज घर से लगा लिया। डर बड़ी बुरी चीज होती है ना, जिंदगी कितनी प्यारी होती है ना। तो चले, क्या लेना? मैंने कुछ नहीं लेना, बस मेन मेन चीजें लानी। चीनी खत्म है, चावल खत्म है, और दालें दुले, तेल वगैरह देखती हूँ जो भी है। पहुंच चुके हम सड़क के पास है, और बड़ी दीदी भी आ रही है कहीं। उसने बोला भी मैं भी जाऊंगी सामान लाने। यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना, ये है, ये लोगों के घर है यहाँ पे। देखो कितनी अच्छी खिड़कियाँ लगाई इन्होंने। अच्छा ये देखो, यहाँ भी अभी चला ये काम, देखो कितनी प्यारी खिड़कियाँ हैं। ये देखो दीदी आ गई नीचे से, ऑटो पर दीदी यार वीडियो बनाओ। दीदी ने बड़ा बैग लाया यार, हमारी रोजमर्रा की चीजें खत्म हो गई। तो ऐसा किसने मतलब ये था कि चलो 11 बजे तक होती है ना दुकानें खुली, तो फिर हम लेके आएंगे। बड़ा जा मास्क नहीं करो क्या? देखो कितना छोटा मास्क है इनका। हाँ चलो, ये भी साथ में जा रहे हैं मेरे साथ प्रेग लाने। कोट मुझे चुपीर जय माता दी कर लो। अच्छा कोट पहने हो इसलिए। एक जोड़ा आया हुआ शिमला से, परसों सामान शिमले से बेरे पर ही। अब ये कैसे कहते ना तुझा ये बू? अच्छा अच्छा समझ, ये ले आई रखे। हाँ आप बोला कर संतोष पे चाची पते पे जतिन समान पर भाई तब से ये बहुत समान खत्म होगा भाई, फिर छोटे मोटा तेने भेजा था लिया। आ जाओ जाओ बैठ जाओ, मोड़ दे बैठ की मोड़नी माँ जा। तो जय माता दी, मेरा हर काम शुरू होता है मेरी माँ के नाम से। आ लगी पितर करने क्या मारी ये थैली। ओ छुट्टी का से फोन, अभी मैंने ऐसे किया ना, अभी यहीं पे हूँ बिल्कुल। तो से अच्छी आई जाओ दीदी आगे। तो ये देखो दीदी आगे फोन बंद है, फोन हो जाएगा, दुआ है बुआ होना चट चट होना से। ये देखो बैठो और लोग सुख नगर चलाने तो गड्डी है पासिंग। अब पोरे लेना सौरे लेना नहीं, पोरे देव सिंह को तो खरा चलते चल जाना पता भी थे। तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने सामान लाना है, पर ये जो क्लिप्स है ना ये 5-6 दिन पहले की है ये वीडियो। तो 2 दिन खुली रहती है हार्डवेयर की दुकानें, और यहाँ पे है शिवनगर नामक जगह, बस 11 बजे तक खुली रहती है, 8 बजे से लेके तो हम 9-9:30 बजे चले गए थे। हाँ कुछ ऐसा जैसा है। तो देखो दीदी भी है हमारे साथ, मैंने बिल्कुल मास्क लगा के रखे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या हो गया ना वैसे है ना, कैद जैसी हो गई है जिंदगी, कैद घर के अंदर। और अब ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई गली नहीं है, कोई घर नहीं है जहाँ पे कोरोना के केस नहीं है, और हर एक इंसान डरा हुआ है, डर की जिंदगी में जी रहा है। पता नहीं कब जैसे क्या हो जाए, भगवान बस आपसे दुआ है, प्रार्थना करते हैं खत्म कर दो इसको, बहुत हो गया सुनसान सुनसान। यहाँ पे किराने की दुकान है, बस ये दुकानें खुली हैं, खाने पीने की चीजों की दुकानें खुली हैं, सिर्फ 2-3 घंटे कहाँ तक बजे तक की भाई जी? 8 से 11 तक के खुली। कितना रहा? 2 साल होने को आ गए, हुई गए होने को क्या? 4 पीस हो जाने, 8-16 पीस हो जाने। ये देखो पर चीनी क्या किलो ही? 40। 2 किलो चीनी दे दो और 1 पतीला दे दो। आई गए थे पर गाड़ी बह रही थी ना, पर तो मैं बुझ रही थी क्या क्या बोला जी? मैं इतनी लेती थी हमारा
दीदी ले रही है अभी सामान, फिर मैं लूंगी और मैं जो लूंगी मैं आपको घर में दिखाऊंगी। अभी हमें जल्दी निकलना है क्योंकि 11 बजे से पहले हमें घर पहुंचना है। तो सामान लाने के बाद हम आप पहुंचने वाले हैं घर। यहाँ पे हम उतरे हीर खाने, इनको कई जगह काफल बोलते हैं और हम हीर बोलते हैं, तो बहुत टेस्टी होते हैं। तो बारिश भी हुई थी और मैं और दीदी इनको खाने लग गए थे। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, देखो कितने भरी भरी पड़े यहाँ पे, ये देखो। और फिर हन्नी आ गया था, अब आप देखोगे हन्नी की ड्राइविंग। थोड़ी देर मैंने हन्नी के पास दी गाड़ी चलाने को, ये देखिए हम खा रहे थे और मैं दीदी यहाँ पे गप्पे भी मार रही थी। देखो कितने प्यारे हैं ये और बहुत टेस्टी होते हैं, इनका जूस बनाऊंगी मैं कभी, देखती हूँ, पर मुझे बस टाइम नहीं लगता। अब चलो हन्नी आगे आया यहाँ पे, यहाँ पे हन्नी चला रहा है गाड़ी। चल चल तू कर रहे हैं, और हन्नी चला रहा है। चलो आज हन्नी की ड्राइविंग देखते हैं कैसा। रामोजे आराम से बेटा आराम से, अपनी तो बीच ही चल रहा है नवा नवा, तो सीख जाइए बाद अपनी साइड पकड़े, अब तू तो बीच में चल। ये वो क्या है, ये थी आपने रोड़ो थी बस आराम से, ताकि काली बहुत थी काली निकल क्या ये बोल नारण दो गियर भाई दे, कोई जरूरत नहीं रामो सीखनी हो, पहले देखो दे फिर पापा कितने शांति से चलावे पोर रखे चल माता राड़ी आए बस पोरड़े पोरड़े आज हनी देखते हैं। 2 किलोमीटर यहाँ से, 2 किलोमीटर के किलोमीटर कितने में काउच है, 1.5 किलोमीटर है। तो अभी हनी की ड्राइविंग देखो आप पूरी, रामोज 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 बस, ये मारे रोड ने तू मेन रोड निकल सोचा थे तू सीखो ना, ते तीस से साफ रोड है, ते नहीं कोई दिक्कत दूजा गेर पाने जे सिखा रही हूं देख करते न्यूट्रल न्यूट्रल करते जानवा न्यूट्रल करते हुआ रे वाह, हनी तो न्यूट्रल भी करना जानता है। आज मैं पहले चढ़ा रहा हूं राम राम देखो देख कमलेश दीदी डोर खड़ी करता। चलो जी और हनी की ड्राइविंग देखते हैं, हनी बन गया ड्राइवर मेरा, कैसा फील हो रहा है तेरे को? बढ़िया बढ़िया तो हां और दोस्त चलाई जानो हां भी की बड़ी इतना बार चलो जितना भी बहुत इधर स्टीयरिंग बहुत और काम होनी तो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है तेरा वाला कौन नहीं हाइड्रोलिक नहीं तेरा है नॉर्मल पर ये चली नहीं चली देव नहीं तो मार ऐसे चलाऊं भी राम मुझे वन हैंड चली हुई गाड़ी है ये काउशर्ट तक लेके जाएगा हनी क्योंकि ये सामान को बुलाया था मैंने इसको नीचे से घर से और सामान रोड तो ऐसे रोड है ना हमारे इतनी सी आंख अगर झपक गई ना इतनी सी तो सीधी गाड़ी नीचे बहुत भी केयरफुल ये देखिए यहाँ से नीचे तो कोई गुंजाइश नहीं है पूरे 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 रोड होते हैं हमारे ये देखो और इतनी और रख के कीचर रामोज 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 जगह देखी लग रहा है गड्ढा भी चत लग रहा नीड़े अरे जगह गड्ढा साइड लग रहा अरे ऐसी रहे इतना नहीं है ना वो समझा कर अच्छा 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 चलते तेव रामोज तेव रामोज टपानी हो माता रानी की कृपा तभी होगी जब आप खुद अपनी सेफ्टी करेंगे, भगवान उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। रामो जी रोक दे तब तक नहीं क्लोज गड्डी बस वो नहीं करना कुछ नहीं छाटे और ये है हरियाली अपनी मशीनों द्वारा साफ किया हुआ बासमती चावल बंद कर दे मैं खाने में मियां देव रे और देव हां जी तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर में और अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या क्या मैं सामान लेके आऊँ। पहले मैंने हाथों को धो लिया अच्छी तरह से साबुन से और उसके बाद मैं बाहर बैठी हूँ, फिर सामान को भी करेंगे सैनिटाइज। पर मैं पहले दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये तो है फिनाइल की बॉटल,
मिल गया सामान। ये तो है फिनाइल की बोतल, है ना, ये देखो मैं साइड में रख भी रही हूँ ना। और थोड़ा थोड़ा सामान लेके आए, ये थोड़ा सा एक कद्दू है, एक किलो का कद्दू। और ये अदरक है, ये देखिए अदरक। लहसुन नहीं मिला, लहसुन कल को बोला उन्होंने कि कल आएगा, कल कौन जाएगा। और इसमें जो है ये शिमला मिर्च है 1 किलो, और 1.5 किलो टमाटर है ये वाले। इस बार तो मैंने अपने आप लगाए, पार देखते हैं कितने होते हैं कितने नहीं, ठीक है। और मैं रेट भी बताती हूँ आपको उनको, इनके 30 रुपये किलो कद्दू है, 70 रुपये किलो अदरक बोला। आप बताना आपके वहाँ क्या क्या रेट है, ठीक है। और ये जो शिमला मिर्च है ये 30 रुपये किलो ये बताए, और टमाटर भी 30 रुपये किलो, टमाटर भी 30 रुपये किलो। तो ये इसमें ये है, ठीक है, ये हो गया ये। और अभी मैं दूसरे बैग में बताती हूँ दूसरे बैग में क्या है। ये देखो ये लेके आई मैं सूट उठा के। और ये बैग जो मेरे सॉरी जो तेरे को तो मैं कुछ लाई नहीं, मैं देती हूँ अपने बच्चे को। और ये मैं 100 ग्राम बादाम लेके आई, 100 ग्राम मेरे को कुल्फी बनानी है, कुल्फी की वीडियो बनाना है। जो चल तू चल जो ठीक है। और ये पत्ती का पैकेट, तेल रह गया, चलो कोई बात नहीं। और ये 3 मैगियाँ हैं, शानू खाता है मेरा बहुत, उसके बाद हमने लाई नहीं, शानू गया जब से तो उसके बाद नहीं हमने लाई। पर चलो बनानी हो कभी ना, जल्दी बनानी हो, भूख लगी हो। और ये मैं 3 किलो आलू लेके आई, क्या रुपए दिए उन्होंने आलू, 15 रुपये किलो, 3 किलो आलू। चावल का कट्टा लेके आई हरियाली, वो हनी लेके आ रहा है पीछे। और ये चीनी है, ठीक है, ये चीनी है 3 किलो है शायद, चीनी तो बिल्कुल भी नहीं रही हुई थी। मेन चीज़ें होती हैं ज़रूरी, है ना। और ये है मिक्स दाल, ये मिक्स दाल ऐसी है ना कि मोटी दालें तो थी ना, पर बारीक दाल नहीं थी कोई नहीं, हाँ। तो इसको ना फटाफट से अपने ये करके ना बन जाती, जल्दी बन जाती है ये देखो। अब आप बोलेंगे मिक्स दाल कैसी होती है, मैं दिखा देती हूँ। उसमें माँ मूँगी और मलका और वो सारी होती हैं, उसको बोलते हैं मिक्स दाल। एक सीटी लगाओ, बहुत टेस्टी लगती है मेरे को ये, बहुत अच्छी लगती है। मोटी दालों से तो अच्छी होती है, मोटी दालें तो वो करती है ना बीमारियां पैदा। जोजू मेरे जोजू, एक चीज वो कहाँ गई भाई, अच्छा ये। और ये माजा, ये मैं अपने लिए मैं पीती हूँ इसको, ठीक है। और चावल का कट्टा हनी लेके आ रहा है। और ये है ड्यू, ये हनी दिखता है। और ये कुरकुरा, 10 रुपये बचे थे मेरे पास लास्ट में। और ये है कुरकुरा, और ये है ड्यू, ये हनी के लिए है। और बस, और हाँ ये भी लाई मैं, ये 10 रुपये कितने की ये पता नहीं। टोमेटो सॉस है, बनाना होगा ना पंचवटी, टोमेटो नहीं स्नैक्स सॉस है ये तो। बर्गर भी बनाएंगे हम दिखना अब, और बर्गर और शिमला मिर्च भी लेके आए, बर्गर बड़े अच्छे बनते हैं। कितने की है ये, 40 रुपये की है, 40 रुपये की है ये। तो चलो ठीक है, यही था मेरा राशन कुछ दिनों का, मतलब पता है लिख के भी जाती हूँ मैं फिर भी भूल जाती हूँ। तो अभी तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और जोजो को ना एक चीज़ भूल गई मैं, सॉरी जोजो, ब्रेड लाने पर ब्रेड भी नहीं देते, आपने मना किया था कि ब्रेड नहीं देने कुत्ते को ना, इसको चपाती ठीक है, इसको कुछ नहीं देना, गंदा है ये, गंदा है हमारा जोजो, इसको कुछ नहीं देंगे हम। जज्जू बिल्कुल ठीक है मेरा जज्जू, जज्जू बाहर था तो चलो ठीक है, मैं वीडियो का बस यहीं पे एंड करती हूँ, मेरे ख्याल में काफ़ी हो गई। और आप बताना कि रेट आपके वहाँ पे क्या क्या है, ठीक है, मैंने तो बता दिया आपको। अब आप लोग भी बताना कि आपके इन चीज़ों के क्या क्या रेट है। और बस मैं इसमें डाल देती हूँ, इसको मैंने मुझे वो करना है। चलो ठीक है, जय माता दी।